नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार जिले में पिछले काफी समय से जारी लूटपाट और डकैती की घटनाओं के कारण पेट्रोल पंप एसोसिएशन के आह्वान पर जिला भर के पेट्रोल पंपों को आज बंद कर दिया गया है। वही पेट्रोल पंप की हड़ताल के कारण आम जन को काफी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से जिले भर में पेट्रोल पंपों पर लगभग 15 से 20 लूटपाट और डकैती की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते हुए किसी भी प्रकार के आरोपी को नहीं पकड़ा गया। जो आरोपी पकड़े गए थे, पुलिस द्वारा उनसे राशि बरामद करने में असफल रहने के कारण और सबूतों के अभाव के कारण उन्हें जल्दी ही छोड़ना पड़ा। इसी के मद्देनजर जिला हिसार में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है और इसका असर यह रहा कि पूरे जिले में आज पेट्रोल पंप बंद है। हिसार जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि अगर आज प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आरोपियों को पकड़कर कठोर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों की हड़ताल की जाएगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं सभी। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ ने कहा है कि आज हमने पूरे हिसार जिले के अंदर हड़ताल की है और उसमें से करीबन 205 पेट्रोल पंप है जो अब इस समय पूरे बंद हैं। हम पुलिस प्रशासन के लिए खफा हैं और पेट्रोल पंप पर आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन आज तक पुलिस वालों ने कोई काम नहीं किया है, किसी भी आदमी को नहीं पकड़ा है। हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनसे पैसे बरामद किए जाएं। आगे से कोई भी पेट्रोल पंप पर इस तरह की घटना होती है तो उसे जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल हिसार से प्रवीण कुमार की विशेष रिपोर्ट। तो आम आदमी को नहीं आनी चाहिए ना, आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता नहीं है, स्ट्राइक है, तेल खत्म हो गया है, बहुत दूर से धक्का मार के ला रहे हैं बाइक, तो मैटर अलग है जी। लूटपाट तो किसी के साथ भी हो सकती है, ये तो मैटर ही अलग है। ये आम आदमी को परेशान करने से क्या होगा, थोड़ा सा इंसान आप अपने आप में जागरूक होने वाली बातें होती हैं। तो अब ये है कि अब देखते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ होगा तो ठीक है, बाकी आदत पड़ चुकी है इंसान को, अपने हिंदुस्तान के इंसान को आदत पड़ चुकी है, डेली लड़ना है, डेली अपना जाना था। मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, क्या करें, परेशानी है, रात को गला नहीं पाए, पता नहीं था। मैं वो सोचा 15 तारीख की होगी हड़ताल, पता नहीं 14 तारीख हड़ताल है, मैं तो परेशानी होगी, ऑफिस कैसे जाए। बिल्कुल सही है जी, लूटपाट के खिलाफ तो हड़ताल होनी चाहिए जब प्रशासन सचेत होगा। आज हमने जो हड़ताल की है, पूरे हिसार जिले में 205 पंप है, सब के सब बंद है A to Z। हम पुलिस प्रशासन से इतने खपा हैं कि सो कोई आम आदमी भी नहीं सोचता। आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी एक आज तक एक सिंगल बंदा भी नहीं किसी ने पकड़ पुलिस ने पकड़ा। हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के हमारे पैसे बरामदगी की जाए और आगे से हमारा जब भी कोई होता है तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ना कि डील दे के उसको बंद किया जाए फाइल को। ऐसी 24 घंटे की स्ट्राइक है, आज शाम को 8 बजे दोबारा से मीटिंग करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि कंटिन्यू कए दिन आगे भी चलाई जा सकती है हड़ताल। वो हमारे पंप पर A to Z सब कम्प्लीट है जो हिदायत दी गई है। आश्वासन तो हम यही चाहते हैं, जब भी कोई गुंडागर्दी हो उसको उसी टाइम पकड़ कर हमारा जो कुछ नुकसान होता है उसकी भरपाई करें।